हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, मैं हूँ बड़ी पटन देवी के स्थान पे। यहाँ पर मैंने दर्शन किया है बड़ी पटन देवी का, और जहाँ पे माता रानी का अंग गिरा हुआ था उस स्थान का भी मैंने दर्शन किया है। अभी हम लोग जा रहे हैं छोटी पटन देवी का दर्शन करने। ये वाला जो ब्लॉग है ये सेकंड पार्ट है पटन देवी का। इसके पहले मैंने फर्स्ट वाला अपलोड किया है, काफ़ी बढ़िया व्लॉग था। आपने देखा है कि नहीं देखा है आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का नाम और प्लेलिस्ट का नाम मैंने नीचे दे रखा है, जाइए देखिए और माता रानी का दर्शन कीजिए। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं सड़क पे। जिस गली से हम लोग अंदर गए थे उसी गली से बाहर आए हैं। अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं ऑटो का। ऑटो मिलेगा तो हम जाएंगे गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के पास ही छोटी पटन देवी है, वहाँ से गली जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पहले यहाँ से मैं ऑटो ले लूँ। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा का गेट है, मेन गेट ये है। अभी हम गुरुद्वारा नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे छोटी पटन देवी दर्शन करने के लिए। तो माता रानी के पास जाने के लिए गुरुद्वारा से जस्ट सटे हुए एक गली जाता है, उसी गली को हम पकड़ेंगे और अंदर की तरफ जाएंगे। दोस्तों, ये वाला जो गली है ना, ये आपको ले जाएगा छोटी माता के पास। ये गली जस्ट गुरुद्वारा से सटे हुए में है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपको जाना हो तो ये गली पकड़ो, आपको आराम से पहुंच जाओगे। इस गली में आपको काफ़ी भीड़ मिलेगा। इधर अगल बगल भी दुकान वगैरह है। अभी कुछ दुकानें खुली नहीं है, अभी हम लोग मॉर्निंग में आ गए ना, इसके वजह से खुलेगा धीरे धीरे। गुरुद्वारा भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही मतलब शांति वाला जगह है। हम थोड़े देर बाद आएंगे गुरुद्वारा, पहले माता रानी का दर्शन कर लेते हैं, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। इसी की वजह से हम भाग भाग के जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बहुत दिन बाद आई हूँ इधर, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है घूम के। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या इस्कॉन टेम्पल हो, जहाँ पे हम जाए बैठे हमें थोड़ा सा शांति मिलता है और भी मतलब मन खुश हो जाता है। ऐसी जगहों पे जाने से मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है, इसीलिए मैं मॉर्निंग में निकली, ताकि मैं टाइम से जाऊँगी तो वहाँ बैठ सकती हूँ, 10 मिनट रह सकती हूँ। जितना आप लेट करोगे उतना भाग भाग के आपको जाना पड़ेगा इधर उधर, तो आप बैठ नहीं सकते कहीं भी ऐसे। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जब भी निकलो, घर से निकलो, इधर आ रहे हो दर्शन के लिए, तो आप मॉर्निंग में ही निकल जाओ, ताकि आप आराम से दर्शन कर लो, फिर कहीं भी रुको बैठो। अगर आप निकल रहे हो सिटी के तरफ, आपको दर्शन करना है, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप शेयर ऑटो लो। पहली चीज़, हर जगह से, हर जगह के लिए शेयर ऑटो मिलता है, जिसका प्राइस बहुत ही कम है, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है पर पर्सन। और सेकंड चीज़ कि आप सबसे पहले बड़ी पटन देवी जाओ, फिर वहाँ से छोटी पटन देवी आओ, उसके बाद आप बड़े वाले गुरुद्वारा जाओ, फिर जो छोटा वाला गुरुद्वारा है वहाँ जाओ। उसके बाद दोस्तों आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा, जिसमें आप मार्केट घूम सकते हो। यहाँ पर होलसेल का मार्केट है, जैसे कि मच्छरहट्टा है, और भी सारा मार्केट है। आप टाइम से निकलोगे तो उसको भी कवर कर लोगे। यहाँ पे आपको सस्ती सस्ती चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिल जाएगी होलसेल रेट में, तो आप ज़रूर घूमना। हम भी घूमेंगे, उसका ब्लॉग आपको थोड़ा लेट मिलेगा, मतलब ये पूरा घूम लेने के बाद। दोस्तों, हम लोग इस गली से सीधे आए, यहाँ पर एक मोड़ है, हम इसको लेके जाएंगे तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ पर किसी से पूछ लेना कि छोटी पटन देवी जाना है, कहाँ से मुड़ना है। इसमें ना 3-4 गलियां हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। मेरे हिसाब से पूछना ही बेटर रहेगा। मैंने भी किसी से पूछा ही है कि सर एक गली जाती है, कौन सी गली है छोटी पटन देवी के लिए, तो किसी ने मुझे बताया। मैं भी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैं बहुत पहले आई थी ना इसके लिए। और ये जो रास्ता है ना गुरुद्वारा से, बस 5 से 10 मिनट का है, मेरी मानो तो आप चल के आओ, बेस्ट रहेगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं, चलिए दर्शन कराते हैं माता रानी का। यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है, आप चाहो तो प्रसाद ले सकते हो। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। चिंगन बहुत पहले चली गई है, आप चाहो तो बाहर भी चप्पल खोल सकते हो, चाहो तो यहाँ अंदर भी खोल सकते हो। चप्पल चोरी नहीं होता यहाँ पे दोस्तों, इतना याद रखना। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर कीर्तन
कीर्तन हो रहा है, आप देख सकते हो। जिनको पसंद है वो कीर्तन कर सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं, मन को शांति मिलेगा। ये रही माता रानी, यहाँ पे पूजा होता है जी। प्रसाद, हमें प्रसाद में लचदाना मिला है, यहाँ पर टीका भी लगवाए हैं हम। ये दान पात्र है। और ये रही माता रानी, यहाँ पर भी माता रानी का 3 मूर्ति है। यहाँ पे कीर्तन हो रहा है ना, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा मेरा आवाज, इसलिए मैं बहुत तेज बोल रही हूँ। यहाँ पर आंटी है, ये भी प्रसाद ही दे रही हैं। यहाँ पर है कि लाइन नहीं लगाना पड़ता है, काफी ज्यादा स्पेस है। तो मुझे कुछ सुनने में मिला है, ये जो चीज है ना, खंबा बनाया गया है, ये बहुत पहले का बनाया गया है। सर कब बनाया गया था? ये राजा मान सिंह के समय का बनाया हुआ है, जो अकबर के सेनापति थे उनका बनाया हुआ है जी। तो चलिए ना, आप मुझे पिंडी दिखा दीजिए, आइए। इस तरफ माता रानी का पिंडी बनाया गया है। अच्छा, ये शिव जी की जो पहली पत्नी है, शिव जी की जो पहले पत्नी थी जो सती जी, जी उन्हीं का जो 51 खंड हुआ था, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना आहुति दे रही थी, शिव जी तांडव किए थे कंधे पे लेके, सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान छोड़े थे, जहाँ जहाँ मतलब अंग कट गया वहाँ वहाँ सबसे पीट हुआ। सती जी का मगध प्रदेश में पाटलिपुत्र नगर में दक्षिण गंगा के रूप में माता का पिंडी है। अच्छा अच्छा, ओके दोस्तों, आप लोग दर्शन कर लो, ये माता का पिंडी है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अंदर जाना मना है दोस्तों, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है सर से, पंडित जी से, तो उन्होंने बोला है कि आ जाओ, लेकिन मना है। वैसे मैंने उनको बोला कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, यूट्यूबर हूँ मैं, तो उनको भी दर्शन हो जाए, इसीलिए मैं आना चाहती हूँ। इन्होंने बोला है कि ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो आने देता हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं आते हैं। ये शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग है, और ये रहे शंकर जी। ये शक्ति पीठ बोलते हैं यहाँ पे, माता रानी का है। वहाँ आइए, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये हनुमान जी है, और यहाँ पर भी सारे भगवान लोगों की स्थापना की गई है। ये है माता, आप देख सकते हो क्लोज से। जय माता दी, जय माता दी। हे माता रानी, सबका कल्याण करना, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है उसका भी कल्याण करना। जय माता दी। दोस्तों, ये मेन है सिद्ध शक्ति पीठ। तो यहाँ पर बहुत सारा मतभेद है, कुछ लोग यहाँ का मेन मानते हैं, कुछ लोग वहाँ का मेन मानते हैं, जिसकी जो श्रद्धा हो। और यहाँ पर भी है माता रानी का। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पंडित जी, बहुत लोग बोलते हैं कि वो ओरिजिनल है, और यहाँ के कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल है। मूल रूप शक्तिपीठ है माता का, जहाँ जहाँ अंग गिरा वो मूर्ति स्वरूप माता जी का है। पार्थिव जो इंसान का भी शरीर है, तो वो मिट्टी ही में कहीं जाना है, और पिंडी रूप में माँ यहाँ पर विराजमान है। तो दोनों शक्ति पीठ है, और बहुत लोग बोलते हैं ऐसा तो माना जाता है, लेकिन मूल शक्ति पीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के स्थान में विराजमान है। और आप इस यूट्यूब माध्यम के चैनल के द्वारा सभी लोग को दर्शन करवा रहे हैं जी। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, सबको आशीर्वाद दिया जाए। जय माता दी, जय माता दी। ये आहुति है, यहाँ पे आहुति किया जाता है, मैं भी ले लेती हूँ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अच्छा करो। ये हमें प्रसाद मिला है, इसको मैं पैक कर लेती हूँ, घर खाऊंगी, यहाँ नहीं लेंगे प्रसाद, घर पे खाएंगे, वरना ये स्थान जूठा हो जाएगा। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पीछे की तरफ भी है, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पीछे क्या क्या है। जय माता दी। इधर पंडित जी रहते हैं, पंडित जी का बनाया गया रहने के लिए। ये पीछे के साइड है दोस्तों, आप देख लो। दोस्तों, अंदर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा था, मुझे गला फाड़ फाड़ के बोलना पड़ रहा था। मुझे खुद नहीं पता है कि कितना कुछ रिकॉर्ड हुआ है। जो भी रिकॉर्ड हुआ है, अगर आवाज अच्छी आई होगी तो मैं रखूंगी, नहीं तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, ये जो मंदिर है ये खुला रहता है सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक। अगर आप 1 बजे के बाद आ रहे हो तो ये मंदिर बंद हो जाएगा, फिर शाम में 4 से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। तो आप आइए, दर्शन कीजिए,
और यहाँ पर बहुत सारा मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं कि माता रानी का जो अंग था यहाँ गिरा था, मेन जगह ये है छोटी पटन देवी। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, माता रानी का अंग बड़ी पटन देवी के पास गिरा था, वहाँ पे स्थान बनाया गया है। मुझे मालूम नहीं है, मैं बस लोगों का कहना सुना है और मुझे खुद नहीं पता है कि सच में कहाँ पे माता रानी का अंग गिरा था। माता रानी तो कड़कड़ में है, हर जगह है, तो मैंने उनका नाम लिया, मैंने आपको दोनों जगह का दर्शन करा दिया। दोस्तों मुझे प्रसाद मिल गया है, मैं प्रसाद पैक कर लेती हूँ, यहाँ नहीं खा सकती, यहाँ खाऊंगी तो स्थान जूठा हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ इसको घर ले जाके खाऊं, यहाँ से चलती हूँ मैं गुरुद्वारा भी दर्शन करूँ, आप लोगों को भी दर्शन कराऊं, फिर जाऊंगी छोटे वाला गुरुद्वारा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब करो। आप लोगों के लिए इतना सारा मैंने मेहनत किया, आपको दर्शन कराया माता रानी का, तो माता रानी के नाम पे एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है, मैं इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ, इसका अगला वाला जो पार्ट होगा वो होगा गुरुद्वारा का, वो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, ओके, तो बाय बाय।